दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से स्वागत है मेरे चैनल चारो ब्लॉग पे। बहुत दिन के बाद आज ब्लॉग बन रहा है क्योंकि करीबन एक हफ्ता हो चुका है। इसलिए हुआ ना क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिलता है घर के कामों में, और कहीं कहीं मैं बिजी ज़्यादा रहती हूँ ना, तो ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि रोज़ ब्लॉग बनाऊँ, और अगर सपोर्ट ऐसे ही रहेगा और मेरी कोशिश हमेशा जारी रहती है कि मैं ब्लॉग डेली बनाऊँ, तो ना सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, क्योंकि मेरी 2K फैमिली हो चुकी है यूट्यूब पे। तो मुझे बहुत खुशी हो रखी है कि इस बात की कि मुझे मेरे फैमिली यूट्यूब फैमिली 2000 हो चुकी है, तो इस बात की बहुत खुशी मिल रही है मुझे। तो आज अभी मैं जा रही हूँ मंदिर पे, ताओ लोगों की पूजा है और रेडी हो चुकी हूँ। पूनम गी है, झूनी यानी झूनी गांव है, तो वहाँ पे ना बहुत बड़ा मेला होता है, तो वहाँ गए हैं, बहुत से सारे लोग गए हैं साथ में, 2-3 लड़कियाँ गई हैं साथ में। तो बाकी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं भी चाची लोगों के साथ जा रही हूँ। तो मैं तो झूनी चल नहीं पाऊँगी क्योंकि ना वहाँ मतलब बहुत चलना पड़ता है ना, इसलिए मैं नहीं गई वहाँ। और बाकी मम्मी जी ऊपर क्या कहते हैं पापा का कॉल आया, वहाँ बात करती हैं अपने क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, संधी जी से, संधी जी से बात कर रहे हैं। और बूबू गए हैं गाय चराने के लिए, क्योंकि बूबू अक्सर ना घर पर कम रहते हैं, कभी कुछ करने पे ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो बाकी मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चलते हैं। और कुछ सामान था और चाची लोगों का, तो वो भी पहुँचाते हैं और मैं भी चलती हूँ, आप लोगों को सीधा चाची के घर पर मिलते हैं। और आज का मौसम ना बहुत मतलब बादल वाला, सुबह से बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा बहुत ठीक हो रखा है मतलब। तो एक बार तो जो झूमी जा रहे थे ना, वो सोच रहे थे कि हम नहीं जाते हैं, तो सुबह से ना बारिश होती रहती थी। तो अभी करीबन 8 बजे ना तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया, फिर उसके बाद वो रेडी हो गई, फिर वो चले गए। फिर तो बाकी आप लोगों को मौसम दिखा देते हैं और फिर चलते हैं। पूजा की वो। तो दोस्तों बाकी मैं पहुंच चुकी हूँ चाची लोगों के घर, और यहाँ पे ना कुत्ता आ गया सबसे पहले सामने। ला आजा, ये देखो, ये मुझे जानते ना तब, इसलिए ये आ गए। आते आते दोनों के दिल पास आ गए। यहाँ आने के बाद ना पता चल रहा है कि चाची लोगों का ना जो बकरी है वो खो गई है, क्योंकि आगे चाची गाय और बकरियाँ लेकर गई थी ना, तो उसमें से 2 बकरियाँ हैं, एक भेड़िया एक बकरी है, तो वो खो गई। तो चाची ना बहुत परेशान हो रखी है। बाकी मैं आपको ना चाची से बाद में मिलाऊंगी, पहले एक बार बकरी मिल जाए ना तब। तो यहाँ से भी चलते हैं चाची लोगों के वहाँ से। चाची भी तैयार हो चुकी थी और बुआ और मौसी भी आए हैं, और अब हम हो गए हैं, दो लड़कियां और आए हैं, तनुजा और वो राखी, वो आगे से चली गई हैं, बाकी हम आ रखे हैं। तो चलते हैं ऊपर को, तो एक बार मैं चाची और मौसी और बुआ से मिलवाती हूँ। अबे ए चाची, यहाँ किसाओ, यहाँ यो करो। बाकी ना हम पहुंच चुके हैं ऊपर वाले घर पे, जहाँ पे ना हमारा पुराना वाला घर है। यहाँ पे ना बूबू और क्या कहते हैं मम्मी जी जैसे सास ससुर यहीं रहते थे पहले, तो ये पहले वाला मकान है यहाँ ऊपर। यहाँ से ना हर जगह दिखता है, इतना प्यारा दिखता है ना यहाँ से हर जगह। सूफी का गांव दिखता है, लाहौर का गांव, और ये तल्ला सूफी, मल्ला सूफी, झूनी, हर जगह दिखता है। यहीं से टॉप पे मकान है ना, तो पुराना मकान है, बूबू के समय का मकान दिखाऊँ मैं आप लोगों को।
बूबू के समय में मकान ये वाला है, ये वाला। और ये आजकल ही बना रखा था, जब मेरी सास और ससुर की ना शादी हुई होगी ना, उस टाइम पे ये वाला मकान बनाया। बाकी हमारे टाइम का तो नीचे मकान बना दिया। यहाँ पे तो मतलब मकान ठीक है, बहुत अच्छा है, पुराना मकान है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे भी। और बाकी मैं आप लोगों को पूरा ये मकान दिखाती हूँ। चाची लोग रुके हैं, यहाँ से पूरा गांव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ना जिन लोगों का मतलब पूजा है ना, उनका घर है यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं, जंगल के रास्ते आना पड़ा, तो ज़्यादा नहीं दिखा पाई क्योंकि थकान हो रही थी, पैरों में जौक लग गए थे ना। तो पहुंचने वाले हैं और हाथ हाथ धो लेते हैं क्योंकि जौक उठा रखे हैं हमने बहुत सारे, और बुआ लोग आगे से जा रहे हैं। बाकी आप लोगों को डिटेल में दिखा दूंगी। अब तो नज़दीकी है, पास पे ही है, बहुत अच्छा है यहाँ। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आधा, मामी तो चुप रही है, मामी चुप रही है, मजा होगी हो गए। अब भान जनी व्यापार होगी मंदिर में, ले चल जा। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के। तो दोस्तों हमने खाना भी खा लिया है क्योंकि जिस टाइम पर हम खाना खा रहे थे ना, तो थोड़ा बहुत बारिश लग रही थी। तो बाकी मैं खाने के टाइम पे थोड़ा बहुत ब्लॉग वीडियो नहीं बना पाई। तो बाकी हम यहाँ आ रखे हैं, यहाँ पे ना जैसे जिनके गाय भैंस ज़्यादा हो ना, बकरियाँ ज़्यादा हो, तो वो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ रहते हैं, मतलब क्या बना के प्लास्टिक का वो बना के ना, मकान बना के, मतलब छंज टाइप, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं पहाड़ी भाषा में छन बड़ों, मतलब छन बड़ा पे यूँ यहाँ रोना। यहाँ ना गाय भैंस बकरी हर कुछ, मतलब यहाँ एक प्रॉब्लम ये नहीं हुई कि लोगों का जो घरों में खेत खेती बाड़ी होती है तो बच जाता है, तो ये क्या करते हैं यहाँ को खुला छोड़ देते हैं। बाकी ये लोग घर यहीं रहेंगे, मतलब बैठे रहेंगे, गाय भैंसों को एक बार खेदार देंगे बस। अभी भी गाय भैंस जंगल गई है, बाकी पूजा यहीं थी हमारी ताई लोगों की, तो पूजा भी संपन्न जो भी है हो गया अच्छे से, और खाना आना भी खा लिया है। बाकी आप लोगों को मैंने बताया था कि सुबह बारिश हुई थी करके, अभी भी बारिश हो रही है, तो मौसम थोड़ा बहुत ऐसे ही हो रखा है। और तो आप लोगों को सबसे मिलवा ही दिया है थोड़ा बहुत, तो बाकी आप चलते हैं। सारी
आज लम्हे खास